प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को लेकर राष्ट्रीय लोकदल महानगर का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल महानगर से जुड़े कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेश भर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल गैस एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वह एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल महानगर का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी महंगाई को लेकर खासा परेशान दिखाई दे रहा है। बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। उन्होंने मांग की है कि बढ़ती कीमतों पर सरकार द्वारा तुरंत रोक लगाई जाए। किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? ये जो हमारे में इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं सब अच्छे तरीके से कि पेट्रोल के, डीजल के और गैस के दाम, खाद्य पदार्थ के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब जनता बेहाल हो चुकी है, तराई तराई मची हुई है। जैसे कि आप ये भी खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, दो साल पहले जो लोगों की सैलरी थी वो सैलरी कम हो चुकी है कि प्लस जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट यहाँ पे फर्म हैं, उन लोगों ने अपने आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल चुके हैं। मान्यवर से हमारी ये मांग है कि आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और जो रेट बढ़ चुके हैं उनको वापस लिया जाए। कौन से अधिकारी को ज्ञापन देंगे आज? ये हमारा माननीय डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति को जाएगा।